हरिहरगंज चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में फरार चल रहे बिनकी के दंपति के घर पुलिस ने संपत्ति कुर्क की नोटिस चस्पा की है। पुलिस को घर में ताला लटकता मिला है। पुलिस ने इलाके में मुनादी कराई और आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई की। बता दें कि सदर कोतवाली के हरिहरगंज चर्च में सामूहिक धर्मांतरण में पादरी समेत 56 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में 8 माह बाद भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। हरिहरगंज चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार सिंह हैं और कचहरी चौकी इंचार्ज राम नरेश की संयुक्त टीम बिनकी कोतवाली पहुंची। बिनकी कोतवाली से फोर्स लेकर धर्मांतरण मामले में फरार भानु प्रताप सिंह और उसकी पत्नी अंजू रानी की तलाश में फरीदपुर गांव पहुंची। फरीदपुर गांव में आरोपियों के घर ताला लटका मिला, जिस पर पुलिस ने चौकीदार और आसपास के लोगों के सामने नोटिस चस्पा की और मुनादी कराई कि कोर्ट में हाजिर न होने पर आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। दोनों के हाजिर होने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।